धीरे धीरे लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। हम हालांकि लगातार ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि लोग घर जाएं, उसके बावजूद लोग यहाँ पर बढ़ते ही जा रहे हैं। पेरेंट्स यहाँ पर आए, एक बात सोचने वाली विवेक कि किसी का बच्चा यहाँ पढ़ रहा है, आइए संस्थान है, राजधानी दिल्ली है और लाखों की फीस, उसके बावजूद इस कोचिंग संस्थान ने इतनी भी गनीमत नहीं उठाई कि पेरेंट्स को बता सके कि उनका बच्चा अंदर फंसा है, किस हालात में है, किस हालात में नहीं है। पेरेंट्स दर बदर की ठोकर खा रहे हैं, जब उनको उनका बच्चा समय पर घर नहीं पहुंचा तो 2 घंटा इंतजार करने के बाद 12 बजे का समय देखिए हो गया है, 11:58 अब जो है पेरेंट्स आ गई है। अब जरा देखिए इधर भी, मैं आपको जरा अंदर से एक बार तस्वीर दिखाने की कोशिश करती हूँ कि बहाव कितना ज्यादा है, क्या हालात है वो आप जरा देखिए। तो ये दूसरा कोचिंग संस्थान है, जरा रुकिएगा, दूसरा कोचिंग संस्थान है, यहाँ से आप जरा देखिए, मेरा कैमरा पर्सन अजीत चाकू आपको दिखाएंगे। पानी जो पहले मैंने आपको तस्वीरें दिखाई थी विवेक, उससे अब जो है बहाव 3 गुना ज्यादा हो गया है। ये आप तस्वीर देखकर खुद ही समझ सकते हैं पानी का बहाव कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा तेजी से पानी का बहाव रहा। और अब पहले यहाँ पर 2 पाइप थे, लेकिन अब आप यहाँ पे 3 पाइप देखेंगे, माफ कीजिए 3 नहीं 4 पाइप। पहले तो 2 पाइप अंदर है, यानी कि 2-2 पाइप दोनों तरफ लगाए गए थे, लेकिन अब मुझे यहाँ पे 4 पाइप नजर आ रहे हैं और 2 पाइप अंदर भी। अभी भी टीम जो है लगातार बाहर आ रही है। सर कोई अपडेट कुछ बताएंगे? सर कोई अपडेट, क्या अपडेट? काम चल रहा है, पंपिंग कर रहे हैं दिल्ली पंपिंग। सर अंदर अभी और कोई स्टूडेंट फंसा हुआ है? नहीं अभी कह नहीं सकते। कितना है भरा हुआ? अभी 5-6 फीट से ज्यादा, 5-6 फीट पानी अभी है। कब तक क्या लगता है? नहीं कह सकते कितनी देर लगेगी, मशीन है काम कर रही है। अंदर और कोई स्टूडेंट के फंसे होने की संभावना? ये भी कुछ नहीं कह सकते, अभी लगे हुए आदमी काम पे। 2 और स्टूडेंट्स को रेस्क्यू किया गया था, उनकी हालत कैसी है? उसके बारे में भी नहीं, वो ट्रांसपोर्ट किए हैं, हॉस्पिटल से पता चलेगा। तो अंदर अभी क्या अपडेट है, कितना समय और लग सकता है, क्योंकि पाइप्स की संख्या बढ़ा दी गई है? नहीं बढ़ा दी है, इससे ज्यादा वहाँ पे जो पंप है वो लग नहीं सकते, जगह नहीं है, क्योंकि उसमें पेट्रोल है, अगर ज्यादा हीट वगैरह होगी तो। सर अंदर फर्नीचर वगैरह अंदर की क्या तस्वीर है, आप लोग अंदर पहुँच पा रहे हैं? नहीं अंदर तो हो गए, लेकिन वहाँ पे सारा सामान फ्लोट कर रहे हैं। अच्छा सारा सामान ऊपर चढ़ने लगा है, कुछ भी अंदर पता नहीं चल रहा ऐसे? हाँ क्योंकि आदमी के पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं, वो जवाब चाहते हैं कि उनके बच्चों की हालत क्या, कुछ कह के जाए। थोड़ा 1 घंटे के आसपास और लगेगा, पानी जैसे ही हम उसके अंदर खड़े होने लायक हो जाएंगे तो जल्दी पता चल जाएगा। आधिकारिक बयान है जिसका इंतजार एबीपी न्यूज कर रही थी, और सबसे पहले एक्सक्लूसिव हमने ये बात सामने रखा है, आपको मैं दिखाऊं तो जैसा मैंने आपको तस्वीरों के माध्यम से बताया था वो आधिकारिक तौर पर भी पुष्टि हो गई है। पाइप्स की संख्या पहले 4 थी, अपडेट मैंने दिया था 1 घंटे पहले, अब पाइप्स की संख्या को बढ़ाकर 6 कर दिया गया है, यानी कि पानी अभी भी 5 से 7 फीट जो आधिकारिक तौर पर भी पुष्टि की गई, पानी अभी भी भरा हुआ है। सारा जो सामान है वो ऊपर फ्लॉट कर रहा है, अंदर कितने बच्चे फंसे हुए हैं, अंदर क्या तस्वीर है, ये अभी कोई भी बोलने से कतरा रहा है, लेकिन इनसे बातचीत करके जो समझ आया वो यही है कि अभी भी अंदर फंसे हुए बच्चे हैं। 7 फीट पानी आप समझिए तो अमूमन स्टूडेंट्स की हाइट से भी बहुत ज्यादा, यानी कि अंदर जो हालात है वो बेहद गंभीर होंगे। जो अभी खबर मिली उसके अनुसार 1 घंटे का समय और लग सकता है, लेकिन आप बहाव देखिए, मैं अगर यहाँ डायरेक्टली खड़ी रहूँ तो इतना ज्यादा प्रेशर है कि ये प्रेशर मुझे आगे की तरफ पुश कर रहा है। आप जरा देखिए 6-6 पाइप, 4 पाइप उधर और आगे, मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे, बिल्कुल गेट के सामने 2 पाइप, टोटल 6 पाइप।